पर ये घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता शिव चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए आपको बता दें, थाना सागन क्षेत्र की ये घटना है। अर्जुन नगर में ये व्यक्ति अपनी बाइक पे जा रहा था, दो बाइक सवारों पे पांच लोग थे, आते ही उन्होंने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसमें ये मौके पे एक मैगजीन मिली है, पुलिस मौके पे पहुंच गई। इस युवक को तीन गोली लगी है, इसको इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल भेज दिया गया, जहां इसकी मौत हो गई। ये खबर जब परिजनों को और छात्र नेताओं को लगी थी, मौके पर छात्र नेता पहुंच गए, इन्होंने जमकर एसएन मेडिकल कॉलेज में हंगामा काटा। वही पुलिस ने मौके पर समझा बुझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी शिव चौहान, वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? जी परिजनों का आरोप है की जो है एक बंटी यादव और लाखन सिंह नाम का युवक पुरानी रंजित चली आ रही है और उन्हीं पे आरोप लगाया, उन्होंने इसकी हत्या की है। जी जी शिव चौहान, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अब तक? पुलिस मौके पे पहुंच गई है, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की तलाश कर ली जाएगी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी जी शिव चौहान आप हमारे साथ बने रहे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां शाहगंज थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक पर सवार कुछ बदमाश आए थे जिन्होंने इस शख्स को गोली मारी और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। शिव चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। शिव चौहान, जो लोग बाइक पर सवार होकर आए थे, क्या कोई सुराग अभी तक हाथ लग पाया है पुलिस को उनका? जी नहीं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों का आरोप है कि बंटी यादव और लाखन जो कागरा केंद्र क्षेत्र में रहते हैं, उन पे आरोप लगाया, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से वो दूर है। जी शिव चौहान, युवक को जब गोली मारी गई तो क्या आसपास लोग मौजूद नहीं थे? जी जो अर्जुन नगर क्षेत्र में काफी व्यस्त इलाका है, काफी भीड़ भाड़ थी। जब गोलियों की तड़ताहट सुनी तो लोग इधर उधर भागने लगे, लोग नहीं समझ पाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिव चौहान सारी जानकारी के लिए। तो आगरा की घटना है जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझो, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझो, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे खेल की खबरों का। बीजिंग ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि भारतीय मुक्केबाजी की टीम लंदन ओलंपिक 2012 से खाली हाथ नहीं लौटेगी। विजेंद्र का कहना है कि अपनी संभावनाओं को लेकर टीम काफी सकारात्मक है। साथ ही विजेंद्र ने कहा कि वो सकारात्मक नजरिए के साथ मैदान पर उतरेंगे और मेडल लेकर ही लौटेंगे। साउथ अफ्रीका के शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज बाक बाउचर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि में समरसेट के खिलाफ मैच में बाउचर को आंख में चोट लगी थी और मार्केट संन्यास का खुलासा साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रेग स्मिथ ने किया। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज चिटेंडा ताइबू ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ताइबू ने चर्च की सेवा के लिए क्रिकेट से संन्यास लिया है। ताइबू ने अपने क्रिकेट करियर में 28 टेस्ट और 150 वनडे मैच खेले हैं। और बीसीसीआई के पिछले महीने कुआलालंपुर में कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान अंपायरों के फैसले की रिव्यू स्कीम पर आपत्ति जताने के बाद आईसीसी एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजेगा, जो डॉक्टर एड रॉस्टेन द्वारा बॉल टेक्निक पर की गई रिसर्च को बीसीसीआई को दिखाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद का दावा है कि उनके भतीजे फैजल इकबाल के साथ नाइंसाफी हुई है। मियादाद नेशनल टीम की में फैजल के चुने जाने के तरीके पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। मियादाद का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि फैजल समेत कुछ क्रिकेटर्स के साथ नाइंसाफी हुई है। आईपीएल क्रिकेट के उद्घाटन समारोह के दौरान अर्धनग्न कलाकारों द्वारा पेश किए गए आपत्तिजनक शो पर दर्ज याचिका की सुनवाई 17 जुलाई को होगी और इस शो की व्यवस्था करने और उसके प्रसारण करने के आरोप में आईपीएल आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 5 वनडे मैचों की सीरीज में 4-0 से हरा दिया है। इंग्लैंड ने पहले खेले गए 4 मैचों में से 3 मैचों में शानदार जीत दर्ज की, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। पुरुषों ने और एक महिला से यौनाचार के मामले में फंसी एथलीट पिंकी प्रमाणिक को जमानत मिल गई है। जमानत अर्जी पर लगभग 40 मिनट तक चली बहस के बाद मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। ओलंपिक में पाकिस्तान की कमान संभालने जा रहे ड्रैग फ्लिकर सुहेल अब्बास का मानना है कि लंदन ओलंपिक में भारत और पाकिस्तान का एक ग्रुप में नहीं होना दोनों टीमों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले 14 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे सुहेल ने लाहौर में बातचीत के दौरान ये कहा कि ये अच्छा है कि ओलंपिक में भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं है। बोल बच्चन की सफलता से अजय देवगन इतने खुश हैं कि उन्होंने फटाफट काजोल और बच्चों के साथ यूरोप में वेकेशन की प्लानिंग भी कर ली है। अजय के एक करीबी दोस्त ने बताया कि पिछले काफी टाइम से बिजी चल रहे अजय अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जब फिल्म का कलेक्शन अच्छा आया है तो उन्होंने ये मौका सभी के साथ सेलिब्रेट करना चाहा। नील नितिन मुकेश ने सोनल चौहान से अपने अफेयर के बारे में खुलकर बात की। पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में नील ने बताया कि वो और सोनल एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस हैं। अनुराग कश्यप के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का प्रमोशन खासा मायने रखता है। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 2 महज 9 करोड़ रुपए के बजट में बना है, लेकिन इसके प्रमोशन पर 5 करोड़ रुपए लुटाए गए हैं। फिल्म अभिनेता दारा सिंह की तबीयत ज्यादा खराब है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे दारा सिंह के लिए अगले 36 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि खून में लो ऑक्सीजन और लो ब्लड प्रेशर के चलते उनकी किडनी पर असर पड़ा है। फिल्मस्टार्स अपनी निजी जिंदगी को सबके सामने लाने से बचते हैं, मगर लगता है कि बॉलीवुड की जंगली बिल्ली यानी प्रियंका चोपड़ा इस मामले में अलग सोच रखती है। हाल ही में प्रियंका ने ट्विटर के जरिए अपनी बेहद निजी तस्वीरें शेयर की हैं। संगठन श्रीराम सेना ने द डर्टी पिक्चर के कन्नड़ रीमेक में पाकिस्तानी अभिनेत्री वीणा मलिक को लिए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने फिल्म में वीणा को हटाकर किसी दूसरी भारतीय अभिनेत्री को लिए जाने की मांग की है। पाकिस्तान ने अपने केबल ऑपरेटरों को फिल्म एक था टाइगर का प्रोमो और समीक्षा दिखाने पर रोक लगा दी है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि बॉलीवुड के फिल्म का मकसद आरएसआई को बदनाम करना है। फिल्म डायरेक्टर होमी अदजानिया का कहना है कि वो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल को डायरेक्ट करने को लेकर खासी उलझन में थे। उन्हें डर था कि फिल्म उनके मुताबिक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया तो उनका सारा डर दूर हो गया। उधर राजेश खन्ना की तबीयत काफी खराब होने की खबर ने उनके प्रशंसकों को काफी खराब सेहत के दौर से गुजरा है। राजेश खन्ना को इस महीने मुंबई के नेत्रावती अस्पताल में 2 सप्ताह के लिए भर्ती भी करा दिया गया था, लेकिन अब उनसे अलग हुई सिमर कपाड़िया वापस लौटना चाहती है। फिल्म एडिटिंग से डायरेक्शन में कदम रखने वाले डायरेक्टर शिरीष कुंदर का कहना है कि उनकी फिल्म किक की शूटिंग नवंबर में होगी। फिल्म के लीड कैरेक्टर सलमान खान होंगे और जहां तक फिल्म की नायिका की बात है तो शिरीष ने अभी तक उसका नाम तय नहीं किया है। तो इसी के साथ समाचार फटाफट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार। नमस्कार। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की जिसके फादर थे बड़े डैडली, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैटली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में ला के थकती है। फर्स्ट बेबी नेम ली अंजली, सेकंड बेबी नेम ली कुंजली और लवली, थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदर ली को आया गुस्सा और वो आते हैं डटली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे, बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? इंडियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी विद 25,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम 26 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड 16 कंट्रीज, 25 इंटरनेशनल टाइम्स, प्लेसमेंट्स इन 300 कॉर्पोरेट्स, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, a lovely professional university, transforming education, transforming India.
सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी, पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हल दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। जिस बेटी को लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, वही बेटी बाप के गुस्से का शिकार बन गई। एक बाप ने अपनी जवान बेटी को गोली मार दी। वजह अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि हत्यारा बाप बेटी पर ही आत्महत्या करने की बात बोल रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी बीबी कत्ल की। बाप की हैवानियत, परिवार पर कहर, गुस्से की आग, बेटी की पिटाई और तैश में आकर बाप बन गया बेटी का कातिल। सलाखों के पीछे खड़ा ये शख्स घनश्याम निर्मल है, वही घनश्याम जिसके हाथ कत्ल से रंगे हैं। कत्ल अपनी लाडली का, कत्ल उस बेटी का जिसे पाल पोस कर इसने बड़ा किया था। क्या इस शख्स के जहन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि ये क्या कर रहा है? क्या इसके हाथ नहीं कांपे अपनी बेटी का खून बहाते हुए? लेकिन इस पर तो गुस्सा सवार था, बस कर दिया बेटी का कत्ल। कृष्णा निर्मल, यही नाम है तस्वीर में दिख रही इस लड़की का। कृष्णा ही घनश्याम की बेटी है। बेटी है क्या? थी, क्योंकि इस हैवान बाप ने गुस्से की आग में बेटी की जिंदगी निगल ली, गोली मार दी अपनी लाडली को। मैं सुबह सुबह उठा 5 बजे, तो गोली की आवाज आई, तो हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर गांव से लोग, तो उन्होंने गोली मारा था, ठीक है, गोली लगी और मर चुकी थी, तो उसको किसी तरह से बाहर लाया गया। इसका रीजन क्या है हमको पता नहीं, उसका पिता नहीं मारा था। हैवान बाप की कातिलाना करतूत का सनसनीखेज मामला प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर के गांव करेती में अंजाम दिया गया। बेटी का कातिल घनश्याम एक रिटायर्ड फौजी है। घर वालों की माने तो सुबह का वक्त था, बेटी और बाप में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। घनश्याम बेटी के बहस करने से गुस्सा गया और फिर अपनी लाइसेंसी बंदूक से कृष्णा के सीने में गोली उतार दी। गोली लगते ही कृष्णा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि इलाके के लोग गोली की आवाज सुनकर घर के अंदर दाखिल हुए तो निर्मल खून से लथपथ पड़ी थी। वारदात की खबर घनश्याम की पत्नी ने पुलिस को दी। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने घनश्याम को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
साथ ही पुलिस ने आरा एक कत्ल भी बरामद कर लिया जिससे कृष्णा की जान ली गई थी। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद घनश्याम खुद को बेकसूर बता रहा है और उसका कहना है कि कृष्णा का कत्ल उसने नहीं किया बल्कि उसे किसी बात को लेकर जरा सा डांटा गया था और उसने खुद ही गोली मारी।